चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक विज्ञान के बारे में। तो अब बात करनी थी हम लोगों को ईंधन के बारे में। ठीक है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन। ठीक है, लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? जल गैस। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो याद रखना H2CH4CO2। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? याद रखिए प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मेथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत क्या हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस में क्या मिलाकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मेथेन। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूट्रेन। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? CO+H2। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे कहते हैं ज्वलन ताप। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? मंद दहन। बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? स्वता दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है? द्युत दहन। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? गंधक के अम्ल से। याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला फॉर्म। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। हाइड्रोजन चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से किसका ईंधन मान अधिकतम होता है? हाइड्रोजन का। डीजल कोयला हाइड्रोजन केरोसिन में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो याद रखना हाइड्रोजन। ठीक है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? एंथेसाइट। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट। किसी ईंधन के अप स्फोट रोधी गुण से को कौन दर्शाती है? ऑक्टेन संख्या। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम को हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णता जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 किसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल से। कोयला पेट्रोलियम नाइट्रोजन तथा जल गैस में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? याद रखिए नाइट्रोजन। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। जलते पेट्रोल को पानी क्यों नहीं बुझा सक पाता?
क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। पृथ्वीग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। नौदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन द्वारा विभिन्न अंश प्राप्त करने की विधि को पेट्रोलियम शोधन, पेट्रोलियम का शोधन कहते हैं। ठीक है, क्रूड पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन एक लगभग 30 मीटर ऊंचे खड़े स्तंभ में किया जाता है, जिसमें कच्चे तेल को लगभग 400 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। जिस अवयव का क्वथनांक सबसे कम होता है वह स्तंभ के ऊपर भाग में द्रवित होता है, अधिक क्वथनांक वाले अंश नीचे संघनित होते हैं, कोलदार प्रभाजक में बचा रहता है। ठीक है, यहाँ जो भारी जल, कच्चे तेल के वाष्प, डीजल तेल और कच्चा गैलोसिन गैस। ठीक, ये पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त पदार्थ और उनका उपयोग, ये प्रभाग हैं, क्वथनांक सीमा, संगठन और उपयोग। तो गैसों जैसे कमरे के ताप पर 0 से 30 डिग्री सेल्सियस, संगठक हैं C1 से C4, ईंधन के रूप में बर्फ बनाने एवं स्थानीय निषेचक के रूप में क्रूड नेप्था है, ये मिट्टी का तेल है, ईंधन तेल है, देख लेना। ठीक है, ये ऑक्सीस पिच टार है, पेंट तथा सड़कें निर्माण में होता है इसका उपयोग। ठीक, पेट्रोल एवं डीजल में अंतर देखते हैं। ये पेट्रोल है, गैसोलीन, ये डीजल है। ठीक है, पेट्रोल अपेक्षाकृत महंगा होता है, पेट्रोल सस्ते सस्ता होता है डीजल। ठीक, पेट्रोल इसके हाइड्रोकार्बन अणुओं में परमाणुओं की संख्या C7 से C12 तक होती है, और डीजल में हाइड्रोकार्बन अणुओं में परमाणुओं की संख्या C15 से C13 तक होती है। पेट्रोल में ऊष्मीय मान लगभग 11,250 के कैलोरी किलोग्राम होता है, प्रति किलो, और इसमें उसी में मान इसका 11,000 किलो प्रति कैलोरी केजी होता है। ठीक, यह सरलता से वाष्पीकृत तथा प्रज्वलित होता है। डीजल के अणु बड़े होने के कारण यह कठिनता से वाष्पीकृत एवं प्रज्वलित होता है। पेट्रोल खपत अधिक होती है पेट्रोल की, और डीजल की खपत अपेक्षाकृत कम। इसके दहन में दाब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, डीजल के दहन में वायु को दबाने की आवश्यकता होती है। पेट्रोल यह अधिक प्रदूषक गैसें उत्पन्न करता है, यह कम प्रदूषक गैसें उत्पन्न करता है डीजल। ठीक, ये कुछ महत्वपूर्ण ईंधन, उनका संगठन व प्राप्ति के स्रोत हैं, जैसे भाप अंगार, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, लाल तप्त कोयले पर भाप प्रभावित करके प्रोड्यूसर गैस, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। लाल तप्त कोयले पर अपर्याप्त वायु प्रभावित करके कोल ए हाइड्रोजन, मैथेन, एथीन प्लस एसिटिलीन प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। लकड़ी के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राकृतिक गैस मैथेन प्लस एथेन में पेट्रोलियम में द्रवित पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। तेल के कुएं से संपीड़ित प्राकृतिक गैस मैथेन पेट्रोलियम से बायोगैस या गोबर गैस मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बनिक अवशिष्टों से। ठीक है, सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? गैसीय ईंधन। प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? मेथेन। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को। स्वतः दहन किस में पाया जाता है? फॉस्फोरस।
एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? बम कैलोरीमीटर का। अत्यंत वाष्पशील तथा अत्यंत ज्वलनशील द्रव ईंधन कौन सा है? पेट्रोल। कोल तार के प्रभाजी आसवन से 80 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य प्राप्त होने वाले प्रभाज को क्या कहते हैं? बेंजोल। लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं? पेट्रोल को। सर्वोत्तम अप स्फोट रोधी कौन सा है? टेट्रा एथिल लेड, ठीक है, PV। बात करते हैं आगे, आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडरों में उत्पन्न तीव्र ध्वनि को क्या कहते हैं? अप स्फोटन। केरोसिन तेल के भंजक से प्राप्त गैस क्या कहलाती है? ऑयल गैस। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन है? बालू तथा फोम, ठीक है। वह एथिल एल्कोहल जो गैसोलीन के साथ मिलकर ईंधन के रूप में काम कर में लाया जाता है क्या कहलाता है? पावर एल्कोहल। स्वच्छ ईंधन के रूप में एल्कोहल। गन्ना सूर्य के विकास को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम सक्षम होता है। गत्रा, ठीक है, गत्रा सूर्य के विकास को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलिसस बनाने के उपयोग में लाया जाता है, जिसका किण्वन करके एल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करने के कारण प्रदूषण रहित है। आगे बात करते हैं, विमान गैसोलीन में ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि ग्लाइकोल पेट्रोल के हिमभवन को रोकता है। वायु डीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टी रिफिकेशन। कास्ट स्प्रेट क्या है? मेथिल एल्कोहल। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या। इंडेन गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन प्रोटेन का। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल, ठीक है, याद रखिए। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? उच्च ऑक्टेन वाला वाला ईंधन में। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60%। लेगनाइट में, कोयले में, इसमें 60 से 70% कार्बन। बिटुमिनस में 78 से 86% कार्बन। एंथेसाइट में 94 से 98% कार्बन होता है, ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं विश्व का प्रथम पेट्रोल कुआ। पेट्रोलियम धरातल में कुआ खोद कर निकाला जाता है। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआ कर्नल डेक द्वारा 1859 में पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया था। अब बात करते हैं अप स्फोटक एवं ऑक्टन संख्या। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनके वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिसमें ऊष्मा पूर्णता कार्य में परिवर्तित ना होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यह धात्विक ध्वनि अप स्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनमें अप स्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते। अप स्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में कुछ ऐसे यौगिक मिला दिए जाते हैं जिससे इनका अप स्फोटन कम हो जाता है। ऐसे यौगिकों को अप स्फोटक स्फोट रोध यौगिक कहते हैं। सबसे अच्छा अप स्फोट रोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त किसी ईंधन के अप स्फोटन अर्थात ईंधन की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या के द्वारा
व्यक्त किया जाता है। ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है उसका अपस्फुटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ठीक है, बात करते हैं विभिन्न ईंधन और उनके ऊष्मीय मान। ये ईंधन हो गए और उसके ऊष्मीय मान, लकड़ी 17 किलो जूल प्रति ग्राम, कोयला 25 से 33 किलो जूल प्रति ग्राम, चारकोल 33 किलो जूल प्रति ग्राम, गोबर के उगले 6 से 8 किलो जूल प्रति ग्राम, केरोसिन 48 किलो जूल प्रति ग्राम, एल्कोहल 30 किलोग्राम जूल प्रति ग्राम, बायोगैस 35 से 40 किलो जूल प्रति ग्राम और मैथेन 50 किलो जूल प्रति ग्राम, एलपीजी 50 किलो जूल प्रति ग्राम, हाइड्रोजन 150 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल रिएक्शन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है कौन है? पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ईंधन के रूप में प्रयुक्त पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम को गर्म करने पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी वाष्प निकलती है? साइमोजिन। स्पीड नामक उच्च गुणवत्ता वाले पेट्रोल को किस पेट्रोलियम कंपनी ने बाजार में उतारा? भारत पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफिन मोम। ठीक है, तो ये था हमारा रासायनिक विज्ञान का 10वां चैप्टर ईंधन। बात करेंगे 11वें में तथ्यों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है,